नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों ऊपर वाला सब देख रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। आखिरकार इस ऊपर वाले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जगह जगह जो है स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से बाइक सवारों पर नज़र रखी जा रही है और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चलान ऑनलाइन कट के उनके मोबाइल में चला जाता है और आपको ऑनलाइन चलान भरना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप तो चलान भर देते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिना हेलमेट के नज़र आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे कई बार कई तरीके के बोल सकते वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई लोग बिना हेलमेट के दिख रहे हैं, कोई लोग दिख रहे हैं कि उन्होंने नंबर प्लेट ही हटा दिया है। अब एक तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं हम लोग आपको बता दें, ये तस्वीर पटना की है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बुलेट जो है पुलिस प्रशासन के कोई अधिकारी बोल सकते हैं या फिर पुलिस प्रशासन में अपनी सेवा देने वाला एक व्यक्ति बिना हेलमेट के चल रहा है। पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालिए। देखा आपने किस तरीके से ये व्यक्ति बिना हेलमेट के चल रहा है। लेकिन लोगों का सवाल ये है, क्या इन लोगों का चलान नहीं कटता? क्या इन लोगों के पास मैसेज नहीं जाता कि आपका ऑनलाइन चलान कट गया या फिर पुलिस प्रशासन में होने की वजह से आपका चलान नहीं कट रहा है? आपको बता दें पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और तरह तरह की मुहिमें सरकार ला रही है ताकि पटना वासियों को काफ़ी ज़्यादा आराम आए। इसको लेके इन दिनों पटना की सड़कों पे सीसीटीवी लगाया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से लोगों पे नज़र रखी जा रही है ताकि वो ट्रैफिक नियमों को माने। लेकिन अक्सर लोग बिना हेलमेट के नज़र आते हैं और उनका ऑनलाइन चलान कट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस में हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में हैं और वो बिना हेलमेट के नज़र आते हैं। डबल हेलमेट की बात भी करें तो पीछे वाले लोग डबल हेलमेट ही नहीं पहनते। ये आदमी सिंगल सवार है, सिंगल आदमी है, फिर भी इसके सर पे हेलमेट नहीं है। लोगों का सवाल है कि आखिरकार इनका चलान क्यों नहीं कटता? अगर कटता है तो ये बिना हेलमेट के कैसे दिख रहे हैं? क्या सिर्फ आम जनता के लिए सीसीटीवीज है? क्योंकि सीसीटीवी के माध्यम से लगातार जो अधिकारी है वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही आप बिना ट्रैफिक के बोल सकते हैं जितना आप ट्रैफिक नियम उल्लंघन करेंगे, जितनी बार आप बिना हेलमेट के कैमरे की नज़र में आएंगे उतनी बार चलान कट सकता है। आपको बता दें जुलाई माह में अभी तक 4.5 करोड़ का चलान कट चुका है। तो क्या ये सिर्फ आम जनता का चलान है या फिर पुलिस प्रशासन का चलान भी है? क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग अक्सर बिना हेलमेट के दिखते और एकदम बेपाकी से बोल सकते हैं चलाते हैं गाड़ियाँ, उनको टेंशन भी नहीं रहता कि उनका चलान कटेगा। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से इनका चलान कटता है या भी नहीं। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।